रिश्ते इंसान को चुनते हैं, तो दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो किसी और रिश्ते का मोहताज नहीं होता। बॉलीवुड में ऐसे कई सारे रिश्ते देखने को मिलते हैं, उन्हीं में से एक है विनोद खन्ना और फिरोज खान की दोस्ती। आज भले ही ये दोनों सितारे दुनिया में नहीं है, पर इनकी दोस्ती की अभी भी मिसालें दी जाती है। एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर फिरोज खान का जन्म 25 सितंबर 1939 को अफगानिस्तान के विस्थापित परिवार में हुआ। 1959 में फिरोज खान ने फिल्मों में कदम रखा और अपनी दमदार पारी खेली। वहीं विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर के पंजाबी परिवार में हुआ। 1968 में विनोद ने अपना फिल्मी करियर शुरू किया। एक्टर प्रोड्यूसर और पॉलिटिक्स की फील्ड में अपने हाथ आजमाए और वहाँ सफल भी हुए। कुर्बानी, दयावान जैसी फिल्मों में विनोद और फिरोज एक साथ दिखे। इन दोनों ने भले ही अपना करियर अलग अलग शुरू किया, पर उनका अंत मानो एक जैसा ही होना था। दोनों एक ही बीमारी कैंसर के शिकार हुए थे, पर संजोग की बात यह है कि दोनों ने एक ही दिन दुनिया को अलविदा कहा। फिरोज खान ने 2009 को लंग कैंसर से लड़ाई हारने के बाद 27 अप्रैल को 59 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा। वहीं 2017 में विनोद खन्ना ने ब्लैडर कैंसर के सामने अपने घुटने टेक दिए और 27 अप्रैल को ही 70 साल की उम्र में दुनिया से विदा ली। इसे सिर्फ संजोग ही कहा जा सकता है कि दो सच्चे दोस्तों ने दुनिया को अलविदा कहने के लिए एक ही तारीख चुनी। आज भले ही फिरोज खान और विनोद खन्ना दुनिया में नहीं है, पर उनकी दोस्ती के किस्से आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। फॉर मोर वीडियोज एंड बॉलीवुड अनटोल्ड स्टोरीज सब्सक्राइब प्राइम फ्लैशबैक वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट। डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।